जब जब दुनिया में बुराई बढ़ती है तब तब भगवान बुरे लोगों का नाश करने के लिए मनुष्य रूप लेकर धरती पर अवतारित होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये उक्त बातें कहनी है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर साझा की है और इस तस्वीर के जरिए उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर और साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। और ट्वीट करते हुए तेज प्रताप ने लिखा है, जब भी दुनिया में बुराई बढ़ती है भगवान बुरे लोगों का नाश करने के लिए मानव रूप धारण करते हैं, ऐसा हर युग में होता है। और उसके ठीक नीचे जो आप तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में श्री कृष्ण भगवान दिख रहे हैं लेकिन तस्वीर दरअसल तेजस्वी यादव की है। तो तेजस्वी यादव को क्या तुलना तेज प्रताप ने भगवान श्री कृष्ण से कर दिया है और कहा है कि इस बार इस युग में अगर बुराई बढ़ रही है तो नाश भी होगा ही। दरअसल बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसे लेकर के तेज प्रताप तेजस्वी यादव जो है वो आए दिन अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। बीते दिनों भी उन्होंने 3 दिन का क्राइम बुलेटिन जारी किया था जिसमें 28 जून, 29 जून और 30 जून को बिहार के अलग अलग राज्यों में कहां कहां कौन कौन से घटनाएं जो है वो हुई थी उसे लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी ने ट्वीट किया तो आज सुबह सुबह फिर से तेजस्वी ट्वीट करते हैं और बिहार में बढ़ते क्राइम पर, बिहार में बढ़ते अपराध पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, गोली 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 गोली, हत्या हत्या हत्या, ये मोदी जी और नीतीश जी द्वारा बिहार में लाया गया महामंगल राज है, खबरदार अगर किसी ने इसे जंगल राज कहा तो। और इसके बाद ठीक कुछ देर बाद जहां शेखपुरा में जब 50 लाख की बैंक की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया तो तुरंत तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट कर लिख दिया, शेखपुरा में सरकारी बदमाशों ने दिन दहाड़े एक्सिस बैंक में घुस पिस्तौल और बंदूक के बल पर 50 लाख की लूट किए। दरअसल प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में मंगल राज का परिभाषा यही है। तो देखिए, बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे थे और तब जब आपराधिक घटनाएं हो रही थी तब जो है बीजेपी की तरफ से एनडीए की तरफ से लगातार ये कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते हैं, जो नीतीश कुमार बिहार में जनता का राज ला रहे हैं, उस वो जनता का राज नहीं बल्कि अब जंगल राज है। तो अब जब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, जब नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ दिए है, राजद का साथ छोड़ दिए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे, तो अब मौका मिला है विपक्ष यानी तेजस्वी यादव आरजेडी को। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर लगातार कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं, लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं और लगातार क्राइम बुलेटिन पेश करते रहते हैं। कहते हैं कि बिहार में ये महामंगल राज है, जंगल राज नहीं, खबरदार जो इसे आप जंगल राज बोल दीजिएगा, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंगल राज का परिभाषा है। तो जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार इस तरीके की ट्वीट करे तो वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी आज ट्वीट किया है और ये कहा है कि हर युग में जब जब बुराई बढ़ती है, बुराई चरम सीमा पर चढ़ती है, तब तब हर युग में भगवान मानव रूप धारण कर धरती पर आते हैं। और तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की झलक जो है वो तेज प्रताप यादव ने दिखाने की कोशिश की है। बताया है कि तेजस्वी यादव ही वो भगवान है जो इस युग में आएंगे और लोगों को बचाएंगे, ऐसा तेज प्रताप यादव का कहना है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।